नमस्कार, केशकांड में विनोद तांबड़े का नाम आने पर फडणवीस बोले, एक तरफ से प्लान करके महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तांबड़े पर वोट के बदले पैसे बांटने के आरोप के बाद राज्य में सियासत गर्म हो गई है। जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने नेता के बचाव में उतर आई है। विनोद तांबड़े पर लगे इन आरोपों को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बेबुनियाद बताया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, विनोद तांबड़े हमारे महासचिव है, उन पर लगे आरोप बेबुनियाद है। कल जो पराजय दिख रहा है उससे आघाड़ी बेखला गई है। एक तरफ से प्लान करके हमला किया गया, विनोद तांबड़े इस मामले में बिल्कुल भी दोषी नहीं है। फडणवीस ने आगे कहा, विनोद तांबड़े वहां पर केवल कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे, न कोई पैसा उनके पास था, न कोई पैसा मिला है और न ही कोई पैसा बांट गया है। योजना बनाकर ये हमला बोला गया है। धन्यवाद।